The fellow caught it, it was contagious from head to tail. Or both are collectively called as protocordate, first chordate. अब ये protocordate जो है आपकी उस list में जाएगी जहां आप exclusively marine कर रहे हैं. तो बच्चे हमने पहले से कहा था यू हैव टू व्हाइल यू आर डूइंग हम लोग अलग अलग लिस्ट बनाते रहे तो लास्ट में आएगा तो इन एक्सक्लूसिव मेरिन में आपके अब ये थर्ड जुड़ गए पहला आया था टेनोफोरा आई थिंक यू रिमेम्बर आई एम नॉट राइटिंग सेकंड में हेमी कॉर्डेटा अभी थर्ड आपका जुड़ गया प्रोटोकॉर्डेट जब ये बॉक्स बन जाएगी फाइनली तब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां रेज करेंगे अब इसके बाद अब हमारे पास इसमें जो भी एग्जांपल्स है आई टोल्ड यू अर्लियर एग्जांपल्स पर हम बात करने आ रहे हैं नाउ आई एम कमिंग ऑन द वर्टिब्रेट तो नजर नहीं आ रहा सर स्पाइनल कॉर्ड ये नोटो कॉर्ड जो था वो कंप्लीट रिप्लेस्ड हो गया वर्टिब्रल कॉलम से अब ये हो गया वर्टिब्रेट तो वी शुड राइट व्हाट इज वर्टिब्रेट तो भैया इसमें नोटो कॉर्ड रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से तो फर्स्ट पॉइंट इनका आप देखेंगे बुक में है नोटो कॉर्ड सर नोटो कॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जब ये चल रहा था एंड वर्टिब्रेट में आई टोल्ड यू नोटो कॉर्ड replaced by sir nazar sir तो कल वाली क्लास में हमने आपको वर्टिब्रल कॉलोनी बताया जो पीछे आपकी तो रीड कर दिया है तो ये उससे replaced हो गया नंबर नेक्स्ट पॉइंट अब इन केसेस में क्या हो जाएगा टू सर थ्री और फोर चैम्बर आठ सर सर तो टू चैम्बर थ्री चैम्बर या फोर चैम्बर हार्ट होगा तो टू चैम्बर होते हैं फिश में थ्री चैम्बर सर में और फोर चैम्बर होते हैं एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल में तो बुक में सीधा आपका लिखा होगा टू थ्री और फोर चैम्बर्ड हार्ट क्योंकि यहाँ पे हार्ट का भी इवोल्यूशन देखना होगा बाद में वो कैसे होगा नेक्स्ट पॉइंट होगी जो हार्ट जो है दैट इज वेंट्रल तो इसका मतलब जो अर्लियर इनवर्टिब्रेट में जैसे अर्थवर्म में हार्ट होता था तो वो डॉर्सल था पीछे था पहले इस पॉइंट को नोट करें फिर यस करें फिर हम वर्टिब्रल कॉलम और हार्ट के पोजीशन को क्लियर करता हूं जब हमने पीछे पढ़ा था तो देखा था जो नर्वस सिस्टम जो था दैट वाज वेंट्रल डबल था सॉलिड था तो वो ट्रांसफर हो गया हमारे डॉर्सल साइड में लेकिन हार्ट की कहानी उल्टा है वो हमारा वेंट्रल साइड आया पीछे था दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यहां अब फाइनली एक्सक्रीशन के लिए किडनी बन गया फाइनली फॉर एक्सक्रीशन अब आप देखो हमने कहा था सारी एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिक का नाम आप 290 पर लिखते चलिए जिसमें आया था फ्लेम सेल्स उसके बाद आप मालपीगल ट्यूब्यूल्स नेफ्रीडिया प्रोबोसिस ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड होते होते ये फाइनल वर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन ऑस्मोलिब्रेशन के लिए आ गई किडनी तो नाउ यू हैव सी द कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट आई रिपीट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम टू थ्री फोर चैम्बर हार्ट हार्ट इज वेंट्रल किडनी फॉर एक्सक्रीशन और नेक्स्ट में इसमें फिल
इसको मिटा दो बच्चे, ये आपने नोट कर लिया, यस क्या करोगे? तो यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें बनी है, फिन एंड लिम्ब। फिन जो है फिशेस में आएगी, लिम्ब जो आगे आएगा, तो ये फिन आएगा फिशेस में और उससे आएगा लिम्ब आएगा। दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट। तो अब देखो हमने क्या 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 डेवलपमेंट हो चुके थे। हार्ट आ गया वेंट्रल पोजीशन पे, एक्सक्रीशन के लिए आ गया किडनी, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, 2, 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट, और मूवमेंट के लिए फिन और लिम्ब। तो जब ये वाटर में रहेगा पीसेस में तो फिन होगी, आगे चलते रिप्लेस्ड होना है लिम्ब, जैसे हम लोगों का ये फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई थिंक इफ दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। यस सर। यस, हमारे आपके यदि कोई बोर्ड पे दिखाई देता ना हो तो आप बताएंगे। पहले वाटर की लाइट, अब आवाज आ रही है भाई? सर्कल से थोड़ी थोड़ी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वीडियो रुक जाती है, एक बार चेक करता हूँ। Now think I is okay. वीडियो रुक जाती है तो मुझे पता चल जाता क्योंकि क्योंकि आपको बुक शेयर नहीं कर रहा हूँ तो हम इस पर आपको देख रहे हैं। अब इस पे बीच में देखो बच्चे क्लासिफिकेशन, अब आपका सारे डेवलपमेंट इधर हो गया। जब वर्टिब्रल कॉलम बन गए, जब इतनी काम हो गई, तो अब हमको आगे चल के देखनी है और क्या क्या चीज बनेगा। तो इफ यू हैव ए बुक लेट अस स्टॉप, यहां लिखे वर्टिब्रेट्स। तो अब यहां जैसे फिर दोबारा आपने किया तो आइदर इन द बुक और ऑन द बुक पर ही यहाँ जितनी कैरेक्टर हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ा है तो ऐसे पॉइंट बना लो बच्चे छोटे छोटे छोटे, तो ये क्विक रिवीजन में काम आता है। जो भी है किडनी है, टूथ नी फोर चैम्बर हार्ट है, जो भी आपने भी 2, 4, 5 कैरेक्टर लिखा उसको सिंगल वर्ड में फिर यहाँ से डाल दें हम, तो दैट विल बी द रिवीजन। अब इसमें है क्या, अब धीरे धीरे जो हम लोगों में ये जबरा है, जॉब है, तो वो बना। सबसे पहले तो कार्टिलेज बनेगा। तो कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस है, जैसे हम लोग के नाक पे ईयर ये कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज प्रिमिटिव कैरेक्टर है, आगे चल के बोन होगा। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कार्टिलेज वाला एनिमल तो बन गया थे लेकिन उनके पहले जबड़े नहीं बने थे, बाद में जबड़ा भी बना। तो ऑन दैट वेरी बेसिस इसको पूरी वर्टिब्रेट को आप दो पार्ट में बांटोगे, दैट इज कॉल्ड एग्नाथा एंड नैथोस्टू। तो इसमें जॉ प्रेजेंट और यहां जॉ एब्सेंट, ये इस बेसिस पर किया। अब जो जॉ एब्सेंट वाला एनिमल है उसकी एक ही फाइलम आप में है, क्लास साइक्लोस्टोमाटा इन सिंगल। सिंगल क्लास है इसके, ज्यादा नहीं है साइक्लोस्टोमाटा।
अब इसमें क्या है, साइक्लोस्टोमाटा में जॉ नहीं है, बाकी सब कैरेक्टर है जो हमने इनका पढ़ा है कि जॉलेस, जिसका एग्जांपल आपका लैम्प्रे आएगा। अब यदि इनमें जॉ नहीं है तो ये क्या करेंगे, इट रिमेन अटैच्ड टू द अनदर एक्वाटिक एनिमल, ये जॉ नहीं है, मसल्स है, दे गेट अटैच्ड और वहां से ब्लड सक करते रहते हैं और इनका चलता है, दे डू एवरीथिंग इन दैट कंडीशन और फॉर स्पॉनिंग एवरीथिंग, रिप्रोडक्शन भी वही हो रही है। बट ये अंडे डालने के लिए आते हैं फ्रेश वाटर में जहां पर सी और रिवर मिलता है। मान लो बेटा यहाँ पर सी है, यहाँ ये सी है, यहाँ रिवर है, इस ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं यूस्चेरी। मीटिंग एरिया ऑफ रिवर एंड सी, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कम होता है, तो ये आके यहाँ एक डाल दिया। अब ये जब यहाँ लार्वा निकले, ये लार्वा फिर से सी में चले, बट जिन्होंने एक डाला है वो कैन नॉट रिटर्न एंड डाई। इसका मतलब ये हो गया, साइक्लोस्टोमाटा कैन रिप्रोड्यूस वन इन द लाइफ टाइम, ओनली रिप्रोड्यूस वन इन द लाइफ टाइम। कुछ ऐसे हमारा ट्वेल्थ में भी इकोलॉजी में डाला है। इज इट क्लियर? बुक आपके पास है तो अपना बुक देखते रहे, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा। अब इनमें ये क्लियर हो गया मैटर आपको, इसको मैं मिटाऊं। अब ये है जो जिसमें जाओ तो बन गए, जाओ जबड़ा बन चुका, बट उनके मूवमेंट के लिए क्या है, उनके पास हम लोगों की तरह ये लिंब है या फिन, तो ऑन दैट वेरी बेसिस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पीसेस, जितना फिश आएगा एंड टेट्राफोडा। तो जिसमें जिसमें और फिन है, मछलियों में फिन है, आवाज कहाँ जा रही है, तो चेक कर साउंड, एवरीवन चेक योर माइक एंड साउंड प्लीज। साउंड चेक करिए, केयरफुली। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर मूवमेंट के लिए क्या है, फिन है, मछलियां सबने देखा होगा, वहां पर हम लोग की तरह तो नहीं है, फिन है, एक्सेप्शन वाला मछली है। तो इनमें दो ग्रुप है, अब इस पर आएंगे हम, कॉन्ड्रिथाइस ऑस्टिथाइस, इसको अलग से बना रहे हैं दो ग्रुप। टेट्रा मीन स्पोर और सोडियम का मतलब होता है लेग। तो अब यहां से इसमें आ जाएगा चार आपका एम्फीबिया, एम्फीबिया और एम्फीबिया से आगे चला रेप्टाइल, ऐसा ही इवोल्यूशन है, रेप्टाइल फिर बर्ड और लास्ट में मैमल। तो टेट्रापोडा में है फोर ग्रुप्स, प्लीज एवरीवन चेक योर माइक, चेक योर माइक प्लीज, सम साउंड्स आर कमिंग, चेक योर सराउंडिंग्स। सर नजर नहीं आ रहा है सर, एक मिनट, आवाज कहीं से आ रही है उसको चेक करें। हमारी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर आवाज आ रही है। और बीच की आवाज कहीं और आ रही है उसको मैं ऑफिस में बोल रहा हूँ चेक करें वो, एंड टेल हिम दिस मैटर टू द ऑफिस, प्लीज चेक द साउंड, समवेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड, साउंड ऑफ अदर क्लासेस कमिंग ऑफिस, प्लीज चेक चेक इट, दिस इज साउंड ऑफ सम अदर क्लास, कहीं पर क्रॉस हो रही है ऑफिस, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक,
ठीक है सर, ये साउंड्स कैसे क्रॉस हो रही है, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। अब यह क्लियरली जैसे फोन क्रॉस हो रहा है वहां से, उस तरह से कहीं से क्रॉस हो रही है। ट्रेनिंग में बच्चे एक काम करते हैं, ये लाउस अब करते हुए ऑफिस चेक करते हैं, हम लोग पीसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं और यहाँ से क्या है, यहाँ दो ग्रुप है, कॉन्ट्रैक्ट थाइस एंड ऑस्टिथाइस, और दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो हम करें। आई थिंक आर यू कंफर्टेबल इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रे, एक बार देख लें आप, दो ग्रुप में बांटा, नाम बोलेंगे फातिमा, सलील, आवाज आ रही है आपको, आपके पास बुक हो तो आप पेज नंबर 56 खोल लेंगे। लेट अस वर्क इन एडवर्स कंडीशन, यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ फीसेस को, इसमें दो ग्रुप है बच्चे, पहला है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइस और ये दूसरा आपकी जो है वो ऑस्टिथाइस। अब ये जितने फिश ग्रुप हैं दे आर कार्टिलेजिनस, इसमें पूरी हड्डियां जो हड्डियां नहीं है कार्टिलेज है, दे आर कार्टिलेजिनस फिश, इट इज बोनी। दोनों फिश है बट यहाँ दोनों पे मेजर डिफरेंसेस है, जो आपको बुक भी है तो आप इस फॉर्म में बना दो तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकले। नंबर वन देखिए यहाँ पर माउथ की पोजीशन, माउथ जो है यहाँ वेंट्रल है और यहाँ टर्मिनल है, आगे आ गया। टर्मिनल और वेंट्रल का मतलब इनमें ऐसे है माउथ, ऐसे जैसे शार्क में होता, और टर्मिनल का मतलब ऐसे होगी। इट इज अ वन ऑफ द डिफरेंस। दूसरी बात आ गई, एयर ब्लडर एब्सेंट और यहाँ प्रेजेंट, और फिशेज में देखो आप बोर्ड को देखिए, ये साउंड बंद नहीं हो पा रही है इसका, फिशेज ये जो नॉर्मल फिशेज जो है दे मूव इन द वाटर, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर होती है, हवा भरी होती है उसमें, इफ यू हैव सीन द कट फिश व्हाइट कलर की ब्लैडर होती है, तो उस ब्लैडर के कारण ये अप या डाउन होते हैं, सिंक नहीं करते। बट कॉन्ट्रैक्ट फिश में क्या होती है, एयर ब्लैडर होती नहीं है, तो इसलिए इनको क्या होता है, इनको हमेशा मूव करते रहना है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे, मतलब इस समय के कभी बैठ ही नहीं सकते। इनका खाना पीना पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज सारा चलते रहता है, इसमें इसी में शार्क भी आते हैं आप। तो अब ये नंबर थ्री, अब यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए जो है गिल तो है लेकिन ऑपरकुलम नहीं है, यहाँ पर गिल सिर्फ प्रेजेंट,
will slip present or operculum absent. यहाँ operculum present सारा देखे उल्टा चल रहा है. operculum यदि आप फिशेस देखा होगा, मछलियां देखी होगी, तो उसकी यहाँ पर एक कवर होती है गिल्स को ढकने वाला, दैट इज कॉल्ड operculum. तो आपके बुक पर जो फिशेस का पिक्चर है, यदि 57 पेज पर आप देखोगे तो किस पिक्चर है जहां पर ये operculum दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पर ऊपर में जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज स्किल्स. तो इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉइड स्किल और यहाँ है चिनोइड स्किल. स्केल का मतलब, अब देखो इससे पहले जब हम साइक्लोस्टोमाटा में आए हैं तो एक बात हम लोगों ने बात नहीं करी, उनका जो ये बॉडी होता है वो पूरा चिकना होता है, स्मूथ, कोई स्केल नहीं होता हुआ, ऊपर में कोई कवरिंग इनकी नहीं. इनके केसेस में कार्टिलेजस में क्या है, ये प्लेक्वाइड स्केल. तो प्लेक्वाइड स्केल को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आप कपड़े हैं, उसको मैं ऐसे करके ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, इस फोल्डिंग से जो बनी ये प्लेक्वाइड स्केल बनी, स्किन फोल्डिंग से. और टिनोइड स्केल आपने नॉर्मल फिशेज यदि आप देखा होगा उसके ऊपर में चौड़े चौड़े कवर आते हैं जिससे उनका पूरा बॉडी ढका रहता है, दैट इज कॉल्ड टिनोइड स्केल. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हो गया. अब तीसरे बात देखिए, अब ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं हाईवे फर्टिलाइजेशन जो है इन इनको बाहर होना चाहिए, बट यूजुअली ये इंटरनल है, अंडरलाइन करेंगे इंटरनल में चला जाए जबकि एडवांस करें यहाँ अंडरलाइन और यहाँ पर एक्सटर्नल, यानी दे विल रिप्रोड्यूस एंड गैमेट्स कम इन द वाटर और यहाँ चल के ये फर्टिलाइज करते. अब इतनी मैटर इनका है, ये मेजर डिफरेंस. अब ये देखो इसमें से क्वेश्चन बन आएगा व्हिच अब अच्छा दूसरी और भी ये मोस्टली ये जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बीबी मोस्टली बीबी पेरस है. अब ये इसको आप अंडरलाइन कर दे, व्हिच वन गिव्स द बर्थ ऑफ यंग वन इज कॉल्ड एज बीबी पेरस. ये एक्सक्लूसिव मैमल का कैरेक्टर है, तो ये स्वयं मैमेलियन कैरेक्टर क्यों, तो इसको अंडरलाइन करिए. फॉलोइंग बेबी पेरस बाद में हम क्या करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे, तो मैमल्स के साथ मैमल के साथ इनके दो एग्जांपल डाल देंगे. अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया ये तो कॉन्टिथिक्स में है और कॉन्टिथिक्स बेबी पेरस है, तो इस रिस्पेक्ट में ये मैमल के साथ शो अंडरलाइन इट एंड एक्सक्लूसिवली मैमिलियन कैरेक्टर. ये चीजें और कहीं नहीं, हमने देखा एक्सक्लूसिव मेरीन वाला हमारे पास कहीं मिल गए. इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत मिल गए, लेकिन ये बीबी पेरी इनका. अब ये दो एडवांस, एक तो एक्सक्लूसिव है, ये भी दो एडवांस कैरेक्टर दिखा रहे हैं, वो इनकी मजबूरी है. प्रिमिटिव रहते हुए भी ये मजबूरी है इनकी. तो अब देखो दोनों में वास्ट डिफरेंस. अब हम इससे पूछ लेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टिक थाइस, या ऑस्टिक थाइस का एग्जांपल डाल के पूछ दे. एग्जांपल से आपको पकड़ना पड़ेगा ये ऑस्टिक थाइस है, इनके ये कैरेक्टर है. टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरूर लिखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टिक थाइस. तो चार कैरेक्टर दूंगा, दो इनका रहेगा दो नहीं रहेगा. तो क्वेश्चन बनेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर नॉट और ट्रू. तो एक समझ के जब पढ़ेंगे तब यह बनेगा. तो इसको बुक में दोनों है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक,
बट इट शुड बी रिटन लाइक दिस. और सबसे लास्ट में बुक से यही पर आप एग्जांपल्स अपना भर देंगे जिसमें इसमें एस्कोलियोडॉन डॉग फेस जो भी आते हैं एग्जांपल्स. तो बच्चे अब देखो पीसेस आपके क्लियर हो गए पेज नंबर 56 57 पर. आप यस करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. जेरा जितन यस यस लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं इसमें. ठीक है ये बातें जब हो गई अब देखो तो अब यहाँ से देखो यहाँ कार्टिलेज दोनों में एक ही दोनों में ये तो डिफरेंस हमने देखा सिमिलैरिटी एक ही है दोनों में जो बोथ आर कोल्ड ब्लडेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड का बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता वार्म ब्लडेड का फिक्स होता. अब यहाँ देखो तो कॉन्ट्रैक्टिस से ऑस्टिटिस. अब आपको ट्वेल्थ में आपने इवोल्यूशन भी पढ़ा होगा तो इवोल्यूशन प्रोसेस देखिए. अब ये वाटर में से क्या हुआ धीरे धीरे वाटर में रहते रहते बोर हो गए भाई इसमें धीरे धीरे ये लैंड की ओर चले. जब ये वाटर से लैंड पर आए तो एक इवोल्यूशन हुई that is called amphibia. और दोनों का लिंक भी मिला हुआ है that is not in your book but लिंक है. फिशेस से ही amphibia develop क्योंकि पानी से लैंड पर आ गए तो इनकी लैंड पर तो आ गए लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है तो उतने बॉन्ड नहीं है. That's why group is called as amphibia. और तो अब हम आ गए tetrapoda में एम्फीबिया. तो फिशेज में अब ये बताओ ये जो हार्ट था वो टू चैम्बर था फिशेज में. अब एम्फीबिया में जब आए तो इनकी ऑट्रियम तो बट गई दो पार्ट में पर वेंट्रिकल नहीं बटी. वो हार्ट इज थ्री चैम्बर. तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो गया यहाँ नंबर वन. नंबर टू इसमें हेड एंड ट्रंक यानी कि नेक नहीं है. अभी जस्ट पीसेस में भी नेक नहीं है इनमें भी नेक नहीं. तो फ्रॉग यदि आपने देखा होगा तो और अपनी गर्दन नहीं घुमा सकता इसको जस्ट पूरी बॉडी को घुमानी पड़ती बिकॉज ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अभी इनकी नेक नहीं बनी. और यहां से बात स्टार्ट हो जाएगी हियरिंग का सुनने की मैटर. जब ये वाटर के अंदर थे तो वहां पर वो पानी में है उनको सुनने के लिए कान है ही नहीं. अब हमारे में है नहीं बता आपको बता देता हूँ फिशेज में एक होती है लेटरल लाइन सिस्टम. लेटरल लाइन सिस्टम नर्व्स की लाइन होती है जो वेव को परसीव करता है उसी से इनका पता चलता रहता है जो हमारे इर्द गिर्द बड़े या छोटे जानवर हैं. तो अब कभी न कभी ये कान तो बनेगा ना जी. इनमें बना है टिम्पैनम. तो सबसे पहले हम लिखें ये टिम्पैनम. अब ये टिम्पैनम यहाँ बन गया तो बच्चा ये आगे चलता जाएगा कहां तक बर्ड तक चलेगा मैमल में आके. मैमल में आके ये एक्सटर्नल ईयर कितना बनेगा. तो जैसे हर चीज की डेवलपमेंट आपने देखा था तो यहाँ देखो. अब थर्ड पार्ट है यहाँ पर जैसे हर मैमल में आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम इज सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सेपरेट यूरिनरी सिस्टम इज सेपरेट
यहाँ पर क्या है तो सेपरेट लेकिन सबकी ओपनिंग यानी एलिमेंट्री कैनाल कैनाल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम opens in single opening with jo ek jagah jaake khulta hai which is called as cloaca. ab ye cloaca ek word aa gaya. yadi aapko apni diagram dekhni hai to aap apni book par 117 par chale jayenge. pro ka internal structure hai you can see cloaca. Because I am not sharing books, explain कर रहा हूँ. तो क्लोएका की स्ट्रक्चर के लिए आप 117 फ्रॉग का स्ट्रक्चर है. दो फ्रॉग इज नॉट इन आवर सिलेबस इन डिटेल लेकिन क्लोएका की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख लेंगे. हार्ट थ्री चैम्बर्ड हो गया और ये कोल्ड ब्लडेड होंगे क्योंकि कोल्ड ब्लडेड चलेगा. वार्म ब्लडेड फर्स्ट बर्ड होंगे. और चूंकि अब ये ऊपर आ गए तो यहां पर आई लीड होगा. फिशेज में भी था आई लीड. तो अब जैसे आप मैमल में आओगे तो आंख के सबसे लास्ट में जो ये रेड वाली है निक्टिटैटिक मेम्ब्रेन का ये वेस्टिजियल ऑर्गेन है. जब फिशेज थे पानी में तो एडिशनल कवरिंग थी आईज पर और इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया वो घटता गया और हम लोगों में वेस्टिजियल ऑर्गन आके रह गए. तो दिस इज द आईलिड प्रेजेंट. अब इनमें टेट्रापोडा तो है. अब इसमें एक चीज पूछ रही थी कभी कभी जो लिम्बलेस एम्फीबियन तो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है सेलेमेंडर. Salamander is limbless. 157 पेज के लास्ट में देखोगे एग्जांपल्स हैं. तो limbless amphibia. इज इट क्लियर amphibia में बच्चे आगे बढ़ूं? जेड़ा हो गए. amphibian के बाद आपकी evolutionary प्रोसेस देखिए. मान लो अब ये फिशेस जो है पानी में रह रहते बोल गए बच्चे तो आगे लैंड. अच्छा इनके फ्रॉग के जो फर्टिलाइजेशन होगा वो पानी में होगा. दे विल रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पे ये गैमेट्स आएंगे और इनके लार्वा को टैडपोल बोला जाता है. आपने सुना होगा टैडपोल. एक चीज याद कर ले इनके टैडपोल आपने देखा भी होगा. इसमें टेल होता है. टेल इसलिए होता है कि ये पानी में है ऐसे करके इनको तरह स्विम करना है. तो इसीलिए एक पॉइंट को हमको मेंशन करना. इनमें जो रिस्पिरेशन होता है तीन तरीके से रिस्पिरेशन करते हैं. जब ये टैडपोल है तो गिल से कर लेते हैं यानी फिश वाली कैरेक्टर दिखा दिया अपनी की जिंदगी में. इसके बाद यहाँ लंग्स भी आ गया जिसको बोलते हैं पुलमोनरी रिस्पिरेशन. और दूसरा स्किन जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन. अब यहाँ देखो बच्चे क्या होता है जब ये छोटे होते हैं टैडपोल तब तो सिर्फ ये गिल्स से कर. जब ये यंग वन हो गए बाहर घूम रहे होते हैं तो हमारी आपकी तरह लंग्स से. बट यू माइट बी नोइंग हाइबरनेशन. ये पानी जैसे जैसे पानी जो है ड्राई होने लगती है इट ग्रेजुअली डिप and enters inside the soil. धीरे धीरे जैसे जैसे पानी कमने लगेगी तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर घुसते चले जाएंगे और जाके एक डेढ़ फीट दो फीट पर नीचे में दलदल में जाके बैठ जाएंगे. तो अब वहां इनको ऑक्सीजन कहां मिले. तो इन दैट केस टाइम इट टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर बाई द स्किन. तो वन पॉइंट आप नोट करेंगे ड्यूरिंग हाइबरनेशन frog respires through skin which is called as cutaneous respiration. During hibernation normal condition mein lungs
और टैडपोल में गिर। क्लियर? वी आर मिसिंग दैट मैटर। अब इसके बाद एक और कर लिया जाए पहले, क्योंकि अब लास्ट लाइक टाइम नहीं लगता, बट कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम फॉर अदर क्लासेस है, बट लेट अस कम ऑन द रेप टाइम। अब जब ये है तो जैसे ही पोजीशन हुई, अब इन्होंने फ्रॉग को चारों ओर देखने के लिए कूदना पड़ता था भैया, तो धीरे धीरे ये क्या नेक बन गई। तो लेट अस कम ऑन द रेप टाइल एंड यू कैन सी द पेज नंबर 58। Or you might have seen the reptiles, many reptiles, snakes, crocodile, etc. So they have a scales. Upar mein scales aa gaye, stooks aa gaye, aur inme bhi wahi jo frog mein ban gaya tha tympanum, wo persist karega tympanum. Ab inme kya hoga? To isme wahi karega, third chamber heart hoga, except crocodile. और यहाँ पर मैक्सिमम में लिम्ब्स है, बट सम केसेस लिम्ब्स आर एब्सेंट, यू माइट हैव सीन स्नेक्स। अब जो है धीरे धीरे जब सारा ही पोजीशन हो गया, अब ज्यादा परेशानी नहीं है आपको, इनकी मेन मेन देखनी है। इनमें ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अभी ये कोल्ड ब्लडेड है और फर्स्ट टाइम नॉर्मल इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ से रेगुलर कोर्स में स्टार्ट होती है, जो बीच बीच में बहुत सारे दिखाए हैं, पर इन रेगुलर कोर्स दे शो और फर्स्ट टाइम इनके एग पर कैलकेलियस सेल्स हुआ है। नो डाउट एग जो है फिशेस भी दे रहे हैं, एम्फीबियन भी दे रहे हैं, लेकिन उनके एग के ऊपर में कैल्शियम का लेयर नहीं है, एग में भी इवोल्यूशन हुआ। तो फर्स्ट टाइम कैलकेलियस सेल्स ऑन द एग, हम आप जो मान ले एग खा रहे हैं बर्ड्स का, ऊपर में कैलकेलियस सेल देख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया है यहीं पे रेप्टाइल्स में। और बर्ड तक दो कैलकेलियस सेल्स चलेगा, मैमल में जाएंगे निविपेरी हो जाएंगे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो इनके नाम वाली पार्ट आएगी वो नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट के अंदर ये सारा खत्म हो जाएगा, देन वी विल कम ऑन देयर क्वेश्चन पार्ट। तो कल तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, और क्वेश्चन पार्ट में भी आ जाएंगे, और वी कैन स्टार्ट द अदर चैप्टर्स ऑल्सो। तो अब हम लोग ये फाइनल करते हैं जो व्हाट नेक्स्ट चैप्टर यू वांट। ये तो कल ये पूरी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन होगी। चली जेरा जनपी फातिमा, यू हैव टू डिसाइड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर यू वांट, यू पीपल वांट। तो अभी आप ऑनलाइन है, सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे अपनी अपनी राय रख सकते हैं, वही चैप्टर स्टार्ट होगी जो आप चाहें। या प्लांट किंगडम शुरू करें, या फिर और चैप्टर शुरू करें, फोटोसिंथेसिस को। जनप्रीत कह रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेरा कह रहा है फोटोसिंथेसिस। और बच्चे वोटिंग करिए। सलील बातुन आ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो और भी अपनी अपनी ओपिनियन डालो, मैं देख रहा हूँ अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट। ह्यूमन ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लेंगे, तो वी विल कम ऑन द ह्यूमन, दैट विल नॉट टेक टू मच टाइम। पर के आएंगे फर्स्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और जहरा बोल रही थी फोटोसिंथेसिस, दैट वाज आल्सो नॉट बैड, वो कॉन्सेप्चुअल है, टाइम लेता है। जहरा आपकी सोच थी सही, लेकिन अब ये सारे जो है ह्यूमन
फिजियोलॉजी विल नॉट टेक टाइम, क्योंकि बच्चे को उसको पढ़ने में अच्छा लगता है और सबके अपने सिस्टम में ऑलरेडी है, देख भी लगे। तो कल कंप्लीट करने के बाद करना तो सब भी है आपको, तो प्लीज फोटोसिंथेसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ भी लेंगे और सुबह सुबह खा भी लेंगे जो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए। जेना बता रही है देखो फोटोसिंथेसिस इज टफ। हाँ ये बात तुम्हारी बहुत ही सही मैटर है, मैं आपको पहले भी कहा था ये मैटर दैट इज नॉट टफ। एक्चुअली बात क्या है, बच्चे फोटोसिंथेसिस को जो आते हैं रटता है वो रटने की नहीं है, यहाँ पर हाफ मैटर फिजिक्स की होती है, हाफ मैटर होती है केमिस्ट्री। अब जरा बात सुनो होती है बच्चे सुनो, फोटोसिंथेसिस में क्या मैटर है और क्यों बच्चे भागते हैं यहाँ से, जबकि क्वेश्चन एक से दो यहाँ से आते ही आते। एंड हम जो सारे का होगा जाते वही मैं करूंगा, लेकिन जेरा का जो बात है उसको मैं आगे बढ़ा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, अभी जो स्टार्ट तो होगी, मैं जो जेरा ने बता रही है तो मैं आपको उस पर बता रहा हूँ जो जो टफ लगता है बच्चों को। एक्चुअल देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका कि हम लोग थोड़ा सा बायोमोलिक उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये एनर्जी आप यूज करते हैं, ये एनर्जी अल्टीमेटली आपको कहां से आएगी, तो आपको आएगी फूड से। तो फूड में जो आया ये केमिकल एनर्जी, और ये हम कहां से आई, यहां आई फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कहां से आई, अब यहां जो आप ये जो सन में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज सनलाइट में तो 400 टू 700 नैनोमीटर लाइट है विजिबल रेंज, जिसको बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉट टफ। तो यहाँ की जो एनर्जी है वो यहाँ कैसे आई है, यहां से डायरेक्ट आई नहीं है, घूम के आई है। तो ये चीज जो है इसको लाइट ऑफ फिजिक्स एंड लाइट ऑफ केमिस्ट्री देखना पड़ता है, जो ये टैप कैसे हो रही है तो वहां पर फिजिक्स की प्रोसेस है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाती है तब रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको लगती है। और ये कॉन्सेप्चुअल है तो इसलिए जेहरा का कहना जो था वो 100% जस्टिफाइड है। तो जेहरा एक काम करो, आपकी वोटिंग तो हो रही है, मैं चौधरी को मैं जल्दी से निपट लूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा फोटोसिंथेसिस में। और इसमें जो मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया हूँ कार्बोहाइड्रेट उसका काम पड़ेगा और ये अंडरस्टैंडिंग की है। तो डॉक्टर बड़ी हम यदि आप थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, ज्यादा प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। और पढ़े रहिएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, क्लास की टाइमिंग बढ़ा दें तो कोशिश करेंगे जो कुछ कुछ चैप्टर हम एक दिन में निकालेंगे। तो बच्चे आपको जहरा आप दे दो टाइम इन लोगों को भी सबको ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एक वीक, फिर हमने फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट कर लेंगे। और फोटोसिंथेसिस के इमीडिएटली बाद रिस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ से तो यहाँ एनर्जी आएगी, ये कैप्चर होगा फोटोसिंथेसिस में और केमिकल्स या ग्लूकोज से जो एटीपी बनेगी आएगा रिस्पिरेशन। तो जब हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे तो साथ के साथ यहाँ रिस्पिरेशन, तब आपकी कॉन्सेप्ट बैठे। तो when you will start photosynthesis will complete respiration, यानी सन की लाइट कन्वर्ट इसमें होना है एटीपी में, सो इट इज कॉन्सेप्चुअल। तो बच्चे अब आज की कहानी इतनी, कल जो है आप रेस्पिरेटरी के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आएंगे, क्योंकि ह्यूमन वाला नाउ एनिमल किंगडम विल नॉट too much time now, and I will give the types of question how to generate.
ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you.